सुबह सुबह खबर आई कि गोविंदा को गोली लग गई है। जैसे ही खबर आई उनके फैंस मायूस हो गए। उसके बाद आनंद फानंद में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। गोली तो निकाल दी गई, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि आखिर गोली कैसे लगी। जब गोली लगी उन्हें, उस वक्त गोविंदा क्या कर रहे थे, फिलहाल ये जांच का विषय है। ये आप देख सकते हैं दरवाजे के गेट पर आपको यहाँ ब्लड के, खून के निशान आपको नजर आएंगे। जब सुबह ये घटना हुई, फायरिंग की आवाज हुई, तो काफी ज्यादा भगदड़ सी मच गई थी। गोली की आवाज सुनकर मुंबई के जुहू के इस इलाके में हलचल बढ़ गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। बेटी टीना जो कि ऊपर के कमरे में रहती हैं, वो भागकर नीचे आई, और ऑफिस बॉय जो यहाँ पे घर में काम करने वाला लड़का था, उसने आनंद फानंद में सभी को फ़ोन किया, और काफ़ी ज़्यादा भगदड़ की स्थिति थी। इस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं है, ना ही गोविंदा मौजूद, उनके परिवार के सदस्य कोई मौजूद है, उनके ना तो कर्मचारी मौजूद हैं। उस समय सबके मन में यही सवाल था कि गोली लगी कैसे। इसका जवाब मिला पुलिस की शुरुआती जाँच के बाद। सुबह करीब 4:45 बजे गोविंदा अपने जुहू स्थित घर से निकलने वाले थे। कोलकाता के लिए मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने वाले थे। सुबह 6 बजे के करीब उनकी फ्लाइट थी, तभी रिवॉल्वर से अचानक गोली चली और जाकर पैर में धस गई। सर, ईश्वर की कृपा रही है कि उनको जो चोट लगी, जो गोली लगी, वो गोली बॉडी तो छेद था उसने, लेकिन हड्डी को नहीं जो है जाके लगा। कौन से पैर में? पाँव में, राइट हैंड पाँव में लगी थी, राइट वाले पैर में लगी थी, तो बच गए थे, लेकिन बच गए। और उसके बाद वक्त से जो है उनको एडमिट करा दिया गया। उनके मैनेजर की माने तो गोविंदा अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर को जब अलमारी में रख रहे थे, तभी रिवॉल्वर उनके हाथ से गिर गया। रिवॉल्वर का लॉक खुला था, इसीलिए गोली चल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और रिवॉल्वर को अपने कब्जे में ले लिया। भले ही गोली गोविंदा के रिवॉल्वर से चली, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। फिलहाल गोविंदा खतरे से बाहर है। एबीपी न्यूज को उन्होंने खुद अपनी तबीयत के बारे में जानकारी दी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा के वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। गोविंदा को गोली लगने की खबर सुनकर उनके चाहने वाले जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। बड़े बड़े सितारे और जानने वाले अस्पताल जाकर उनका हाल चाल जान रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महामृत्युंजय का पाठ भी किया गया। उज्जैन के पंडितों ने कहा कि ठीक होने पर वो गोविंदा से मिलने मुंबई जाएंगे। हरियाणा के रण में आज मोदी भी गरजे और राहुल भी। पलवल में मोदी ने 370 के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, तो सोनीपत में राहुल गांधी ने अंबानी के बेटे की शादी के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस ने देश का मुकुट तोड़ दिया, कश्मीर के भी टुकड़े कर दिए, इतना बड़ा हिस्सा गंवा दिया, ये उस पीओके को वापस लाने की बात नहीं करते, लेकिन ये लोग 370 वापस लाना चाहते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, 370 की वापसी के मुद्दे पर कांग्रेस को कौन उसकी तारीफ कर रहा है? कांग्रेस को पाकिस्तान की सरकार ने भरपूर समर्थन दिया है। जो कांग्रेस पाकिस्तान को खुश करती है, वो हरियाणा को कभी भी खुश रख सकती है क्या? आपको मालूम है कि अंबानी जी ने अपनी शादी में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। ये किसका पैसा है? ये किसका पैसा है? आपका पैसा है। आपको शादी करने के करवाने के लिए बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है। बैंक लोन लेकर आप अपने बच्चों की शादी कराते हो, और नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा ढांचा ऐसा बना रखा है कि 25 लोग हिंदुस्तान में हजारों करोड़ रुपए की शादी कर सकते हैं, मगर किसान
कर्जे में डूबकर ही शादी कर सकता है। महाराष्ट्र से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 में महायुति की सरकार बनानी है, लेकिन 2029 में शुद्ध रूप से कमल खिलाना है। तो मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में संबोधित करते हुए अमित शाह का यह बड़ा बयान, 2024 में महायुति की सरकार लेकिन 2029 में शुद्ध रूप से कमल खिलाना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ गए। गणेश, 2024 में महायुति लेकिन 2029 में शुद्ध रूप से कमल की बात, कैसे समझे इस बयान को? जी देखिए, इस बात इस बयान के बाद क्या है, विरोधी पार्टियां अमित शाह के साथ साथ दूसरी दो पार्टियों के प्रति सहानुभूति जताकर संघ सकती है कि हमने पहले ही कहा था कि भाषा इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल कर देते इस्तेमाल खत्म हो जाता है तो वो उन्हें छूट देती है। यही बात शिवसेना और एनसीपी को अजित पवार को लेकर विरोधी पार्टियां कह रही है कि देखिए 24 में साथ में रखेंगे, 29 में आपको बाहर फेंक देंगे। जबकि भाजपा के तमाम नेताओं का कहना यह है कि अमित शाह ने जो बात कही है वो ये है कि यूपी या गठबंधन का धर्म निभाते हुए इस बार हम तीनों मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन किसी भी नेता को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना उसका उसका लक्ष्य रहता है, उसकी इच्छा रहती है और उसके मुताबिक अमित शाह ने कहा है कि इसमें हमने पूरी ताकत के साथ भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बनाना है, उसमें गलत क्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों को छोड़ देंगे। इसके अलावा कई और बातें उन्होंने कही है, राहुल गांधी संघर्षता है कि जिस नतीजा आया उसको लेकर थोड़े। तो मुंबई में अमित शाह का ये बड़ा बयान सामने आया है और जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कि 2029 में शुद्ध रूप से कमल खिलाना है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर फाइनल राउंड की आज वोटिंग हो गई। अब इंतजार 8 तारीख का जब नतीजे आएंगे। के महापर्व का ये जश्न है, पहली बार वोट डालने की खुशी होती क्या है, इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। नाच गाना, बैंड बाजा और पूजा पाठ के साथ आरएसपुरा में रह रहे लोगों ने वोट डाला। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर आए थे, पहली बार वोट डालने का मौका मिला तो खुशी से झूम उठे। अब इस तस्वीर को देखिए जो आई है सांबा के रामगढ़ से, पहली बार इस इलाके में पोलिंग बूथ बना तो खुशी में लोग अरदास के लिए गुरुद्वारे पहुंच गए। जम्मू कश्मीर में तीसरे दौर की ये वोटिंग हुई है। हंदवाड़ा में नए वोटरों को लुभाने के लिए पिंक बूथ बनाया गया था। पिंक पोलिंग बूथ की हम खासियत आपको बताएं तो यहाँ पर जो है वो वुमेन फ्रेंडली पूरी तरीके से इस पोलिंग बूथ को जो है वो बनाया गया है, ताकि जो महिला मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आएंगे उन्हें किसी तरीके की परेशानी से रूबरू जो है वो नहीं होना पड़े। हम आपको दिखाएं, देखिए इस तरीके के जो रूम है वो लेडीज वेटिंग रूम, इसके अलावा फीडिंग रूम भी जो है वो यहाँ पर जो है वो बनाए गए हैं। पोलिंग बूथ के अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें ज़्यादातर जो चुनाव कर्मचारी हैं वो यहाँ पर महिला कर्मचारी हैं। दिग्गजों ने भी अपने अपने बूथों पर मतदान किया। कुपवाड़ा के बूथ पर निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद भी वोट देने पहुंचे। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर बिलाल ने उनसे बात की। आपने किस मुद्दे पर वोट डाला, क्या है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे बड़ा मुद्दा? मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरा कश्मीर है, बल्कि पूरा जो मोदी जी कहते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला तो आपको बीजेपी की प्रॉक्सी बता रहे हैं। गुनाहगारों में हूँ शामिल, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सजा तो मिल गई मुझको, खुदा जाने खता क्या है। जम्मू कश्मीर उसके बाप की जागीर नहीं है, हर वोटर आजाद है और वोटर उससे ज्यादा जानता है उसको क्या करना है। जम्मू में पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद भी वोट डालते हुए नजर आए। मौका मिलेगा दोबारा बनेंगे आप इस बार? वो देखेंगे इलेक्शन के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गुलाम नबी आजाद, सवाल पूछा गया कि क्या दोबारा सीएम बनने का मौका मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि वो जो है चुनाव के नतीजों के बाद में देखेंगे, लेकिन गुलाम नबी आजाद की छोटी पार्टी पहली बार चुनाव मैदान में उतरी है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, विधानसभा की कुल 90 सीटों पर वोटिंग हुई। अब 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे।
तो मालूम चलेगा कि जन्नत की जंग में कौन भारी पड़ा और कौन हल्का। प्रशांत किशोर कल बिहार में अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं और इससे लेकर तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ विरोधी प्रशांत किशोर पर जमकर बरस भी रहे हैं। पटना में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। तस्वीरें पटना के वेटनरी कॉलेज की हैं। दावा है लॉन्चिंग में लाखों कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं। अभी दल बन रहा है, फरवरी मार्च के महीने में दल का एजेंडा जारी होगा, जो बिहार के सुधार का ब्लूप्रिंट है, विजन डॉक्यूमेंट है, वो जारी होगा। 25 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव भी होगा। ये महत्वपूर्ण पड़ाव है, दल बन जाएगा, दल की लीडरशिप आ जाएगी, वो लोग दल को चलाएंगे। मैं जो काम पिछले दो साल से कर रहा हूँ, वही काम आगे करूँगा। प्रशांत किशोर अपनी टीम के साथ महीनों से इस दिन की तैयारी में जुटे हैं। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर पीके जनसुराज की राजनीतिक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। खुद पार्टी के अध्यक्ष का पद नहीं संभालेंगे, पार्टी के नाम की घोषणा कल हो जाएगी। पार्टी लॉन्चिंग के बाद पीके बिहार की यात्रा जारी रखेंगे। पार्टी का एजेंडा अगले साल फरवरी में जारी होगा। पार्टी लॉन्च करने से पहले ही प्रशांत किशोर विरोधियों पर आक्रामक हैं। एक साथ वो बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी पर अटैक कर रहे हैं और विरोधी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। कैसे चल रहा है ये दल, कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कौन लोग नहीं शामिल होंगे। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी से यही मैं कहूं कि आप एक तरफ कहते हैं कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री इस देश का बनाया, तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो बातें आज कह रहे हैं बिहार के युवाओं को कि जो रोजगार देगा आप उसको वोट दीजिए, मतलब आप रोजगार दीजिएगा। आप एक तरफ प्रधानमंत्री बनाए तो आप उस प्रधानमंत्री से क्यों नहीं रोजगार मांग रहे हैं बिहार के लिए। बिहार में जिस तरह का माहौल वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे तो यही लग रहा है कि वो भारतीय जनता के बीटी के तौर पर दिख रहे हैं। अब कुछ घंटों का ही समय बाकी है जब प्रशांत किशोर अपने पत्ते खोलेंगे और देश को ये बताएंगे कि बिहार को बदलने के लिए उनका रोड मैप क्या है और किस तरह की टीम के साथ वो आगे का सफर तय करने वाले हैं। वाराणसी में मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों ने 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटा दी। साईं बाबा की मूर्ति वाराणसी के मंदिरों से हटाई जा रही है। दावा ये कि सनातन रक्षक दल ने 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटवा दी। वाराणसी के लोहटिया में बड़ा गणेश मंदिर है, यहाँ भी साईं बाबा की मूर्ति 2013 में लगाई गई थी, जिसे आज हटाया गया। काशी के विद्वत समाज जो है एक हमको आके के कह दे कि काशी में जो है मंदिरों में प्रेत पूजा मान्य है या सनातन में प्रेत पूजा मान्य है, हम प्रेत पूजा करेंगे। जिसको कष्ट हो रहा है वो खुदे सनातन द्रोही, शिव द्रोही और राम द्रोही है। मूर्ति गंगा जी में जाएगी, विसर्जन होगी, साईं की मूर्ति साईं वहां लगी है, तो साईं वाले वहां क्यों नहीं जाते पूजा करने, हमारे यहाँ क्यों आते हो। संगठन का कहना है कि साईं ट्रस्ट ने मान लिया कि साईं बाबा मुस्लिम थे, इसीलिए हमने मंदिरों से मूर्तियां हटाई हैं। ये हमको तो 2 साल से इस प्रकार की जो है एक प्रेशर दबाव लोगों का आ रहा था, लेकिन यह निर्णय करने में हम लोगों को लगता है कि देरी हो गई, इसलिए जो है अब जा करके सही निर्णय हो पाए। करीब 10 साल पहले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जब जीवित थे तब उन्होंने मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति को लेकर विरोध किया था। बाद में ये मामला दब गया, अब एक बार फिर से उठ गया है तो शिरडी में साईं के भक्त नाराज हो गए। तो भगवान के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर श्रद्धा होना चाहिए जो भगवान को हम लोग अर्पित करते हैं। भगवान मानते हो क्या? साईं बाबा को हम लोग सब भगवान मानते हैं, सब मतलब जो भी है हिंदू मुस्लिम जो भी है सिख। ऐसा नहीं करना चाहिए, भेदभाव कभी भी करने वाले लोग मूर्ख लोग रहते हैं। ऐसा हो तो गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेना चाहिए है, इसके बारे में कड़क एक्शन लेना चाहिए। शिरडी में साईं बाबा का मंदिर है, जहां हर दिन देश दुनिया से भक्त पहुंचते हैं, पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। अब साईं बाबा को भी हिंदू मुस्लिम के विवाद में फंसा दिया गया। साईं बाबा जी ने कभी भी उनका धर्म
उनकी जाति कहां से आए कभी भी किसी को नहीं बताया। साईं बाबा ने ये भी नहीं कभी कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन उनके साक्षात्कारों के कारण हमने माना कि ये मेरे भगवान है करके हमसे आकर मिले। हम आपको आपकी सारी गलत फहमियां यहाँ पर दूर करेंगे, क्योंकि हम भी हिंदू हैं। हिंदू धर्म में संतों का सम्मान करना सिखाया। साईं बाबा की मूर्ति का विवाद वाराणसी से शुरू हुआ है, अब ये कहां जाकर थमेगा कहा नहीं जा सकता। अब बात करेंगे हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्लाह की, उसकी मौत का अपने देश में भी विरोध हो रहा है। मुरादाबाद और लखनऊ में तो बाकायदा कुछ लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला। सैकड़ों की भीड़ और सड़क पर जुलूस, रात के अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी है और उसी रोशनी में लगाए जा रहे नसरुल्लाह के लिए नारे। कैंडल मार्च की तस्वीरें मुरादाबाद से आई हैं, जहां हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह की याद में शिया समुदाय ने बड़ा जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया और मातम मनाकर याद किया। ए मेरे बच्चों, कल के लिए आमादा हो जाओ, लेकिन अब्बास ने देखा एक खेमा है, बहन कुलसूम है। खास बात ये रही कि प्रदर्शन का नेतृत्व करने वालों ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। सोमवार की रात को ही लखनऊ में भी महिलाओं ने कैंडल के साथ प्रदर्शन किया और इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जाहिर किया। रविवार की रात को भी लखनऊ में शिया समुदाय के लोगों ने नसरुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन किया था। ये देश के अलग अलग इलाकों की तस्वीर है। शनिवार से ही अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ, बडगाम, करगिल, मुरादाबाद में नसरुल्लाह के लिए लोग सड़क पर हैं। शुक्रवार को लेबनान में छिपे नसरुल्लाह को एयर स्ट्राइक में इजराइल ने मार दिया था। शनिवार को मौत की पुष्टि हुई, जिसके बाद से हिंदुस्तान में भी उसके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं और अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।